सच्चाई से आप वंचित न रह जाएं। एक दिन विधायक जी बोले भैया हमारे क्षेत्र में जनता के क्या हाल हैं? श्रीमान जी जनता आपकी है, हालचाल हमसे पूछ रहे। बहुत सारे विभाग हैं आपके, किस विभाग से शुरू करूं? परेशानी तो बहुत है, जनता के हालचाल पूछ रहे हैं आप। तो स्वास्थ्य विभाग से शुरू की गई। सुने आप, ये कविता है, हो सकता है इसमें आप हंसें, लेकिन ये सच्चाई है, इसे नकार नहीं सकते तुम। विधायक जी हालचाल पूछ रहे, बोले और जनता के क्या हाल हैं, क्षेत्रवासियों के, सरपंच के, सचिव के, बाकी सब ठीक है? तो मैंने कविता का नाम ही रख दिया बाकी सब ठीक है। अब सुने आप, इस कविता का नाम है बाकी सब ठीक है। स्वास्थ्य विभाग से शुरू करते हैं। हमने कहा विधायक जी, और ये पठार क्षेत्र है, बुंदेली भी समझ लेंगे, आप ज्यादा कठिन नहीं है। हमने कहा विधायक जी, मरीजों हो वे मोहताई नहीं है, तड़प रहे हैं अस्पताल में ऑक्सीजन के लिए। मरीज हो वे मोहताई नहीं है, 10 दिन से रोटी खाई नहीं है, अस्पताल में डॉक्टर की अवाई नहीं है, एक दिन आए तो कहते दवाई नहीं है, बाकी सब ठीक है। कविता का नाम बाकी सब ठीक है। अब समझ लेना आप क्या क्या ठीक है। बोले तो भैया जी किसान के क्या हाल चाल है? अरे हमने की विधायक जी बहुत अच्छा प्रश्न पूछा, किसान के इतने बढ़िया हाल चाल है, किसान के जी हो चैन दिन रात नहीं है, किसान के जी हो चैन दिन रात नहीं है, बीज नहीं है, खाद नहीं है, लाइट और पानी हाल लो जात नहीं है, परेशानी की कोनो बात नहीं है, बाकी सब ठीक है। बोले पंचायत, अरे हमने की पंचायत तो स्वर्ग बन गई, गांव खुशहाल है, रजिस्टर पे चढ़ गए है, और रजिस्टर दिल्ली और भोपाल पहुंच गए, गांव खुशहाल है, रजिस्टर पे चढ़ गए है, सीसी भाव तो सो खड़ गए, कम से कम सरपंच साहब 5 साल तो चल जाते, तुम ही रे कार्यकाल में नहीं चल पाओ। गांव खुशहाल है, रजिस्टर पे चढ़ गए है, सीसी भाव तो सो खड़ गए है, बरसात को पानी दोरे में अड़ गए है, मलेरिया वारो मच्छर बढ़ गए है, बाकी सब ठीक है। बोले जनता के सरपंच सचिव के क्या हाल चाल है? हमने कहा एक नंबर के। बोले जनता क्या कर रही है, सरपंच सचिव कैसे? हमने कहा श्रीमान जी जनता हूं गरीबी की चोट घलत जा रही है, जनता हूं गरीबी की चोट घलत जा रही है, काम नन्या सो सूखी गतियां मलत जा रही है, तुम्हारी रोजगार गारंटी स्कीम फूलत जा रही है, फलत जा रही है, और ग्रामवासी भले भूखों मरे, सरपंच सचिव की गाड़ी चलत जा रही है, बाकी सब ठीक है, ये सच्चाई है। बोले तो धर्म के काम तो हो रहे हमारे राज में? हमने कहा श्रीमान जी ग्रामवासी धर्म के काम हम आगे बढ़ा रहे हैं, रामायण पढ़ रहे हैं और पढ़ा रहे हैं, और इससे बड़ी खुशी की क्या बात है, मंदिर में बैठ के चिलम चढ़ा रहे हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी का मंदिर है, कम से कम उस मंदिर में जाते हो तो मर्यादा से जाओ, वहां भी गांजा पी रहे हो। मंदिरों का तात्पर्य क्या है? एक व्यक्ति ने तो मुझे तर्क दिया, बुजुर्ग बैठे हैं यहाँ, बोले आप गांजा का विरोध क्यों करते हो, दारू तो ठीक है। हमका गांजा का क्यों ना करें, नशा है। बोले नहीं नहीं नहीं, संत तमाकू पियत है, कही कारण कही हेत, भीतर बगदर कुमत को ताको धूनी देत। क्या टिप्पणी है भैया वाह। बोले ऐसे दारू पिया, भीतर कुमत का बगदर बैठा है, तो गांजे की धुनी से उसको हम भगाते हैं। मैंने कहा वाह भैया, हमसे भी बड़ा अच्छा बोल लेते हो आप। अच्छा हमने कहा जो कुमत का बगदर है भैया, उसे धुआं देते हो तो भग जाता? बोले हाँ। हमने कहा फिर दोबारा क्यों पीते हो? बोले वो दोबारा आ जाता है, तो वो रोज आता है जाता है, तुम फिर धुआं से भगाते हो। हमने कहा बहुत अच्छा उपाय बता रहे हो। हमने कहा एक ऐसा उपाय है कि बगदर दोबारा नहीं आएगा। बोले क्या? हमने कहा गांजे भांग के धुआं से बगदर को मत भगाए, ऐसे अच्छो विष खा ले जाने से मर जाए, एक बार विष खा लीजिए आप, बगदर रहेगा नहीं, दोबारा तिवारा दोबारा तिवारा। तो ये स्थिति है, ग्रामवासी बुरा ना मानना, किसी की भावना को आहत नहीं, भगवान महावीर जी का पावन मंदिर है, पता है उन्हें क्यों महावीर कहते हैं? हम दूसरों को तो जीत लेते हैं, लेकिन अपने अंदर जो राक्षस बैठे हैं, अपने अंदर जो बुराइयां हैं, हम उनसे जीवन भर लड़ते रहते हैं और उनसे जीत नहीं पाते। भगवान महावीर ने स्वयं को जीता था, इंद्रियों को बस में किया था, काम क्रोध लोभ मोह पे विजय प्राप्त की थी, इसलिए वो महावीर कहलाते हैं। हमारे अंदर भी वो राक्षस बैठे हैं, क्योंकि वही तो प्रेरित करते हैं अपराध करने के लिए। अगर मन ही को समझा ले तो अपराध की नौबता ही नहीं आएगी, सबसे पहले तो दिमाग में आती है ना बात। तो ग्रामवासी धर्म के काम हम आगे बढ़ा रहे हैं, रामायण पढ़ रहे हैं और पढ़ा रहे हैं, ऐसे ज्यादा धर्म की क्या बात है कि मंदिर में बैठ के चिलम चढ़ा रहे हैं, बाकी सब ठीक है। आगे चलें। बोले लाइट की क्या स्थिति है? हमने कहा विधायक जी
सांची सांची कह रहे हैं, डबिया जला कर रह रहे। ये क्षेत्र की दुर्दशाएं हैं, ये हम आपसे क्यों चर्चा कर रहे? ये इसलिए चर्चा कर रहे कि पूज्य गुरुदेव भगवान जानते हैं अंतर व्यथा। बड़े मुद्दे तो छोड़ दो, अभी ग्रामवासियों का जीवन देख लेना, पानी की व्यवस्था, लाइट की व्यवस्था, भोजन की व्यवस्था, राशन की, गैस की, पेट्रोल की, इन्हीं व्यक्तियों इन्हीं में हमारा जीवन गुजरना है। हमारे बड़े बड़े मुद्दे तो जो हैं तो वो तो हैं ही हैं, उस तरह का मंच होता है तो वही चर्चा होती है, पर ग्रामवासी बैठे हैं। इस अभियान को सफल बनाना इसलिए बातें बताई जा रही। लक्ष्य वो नहीं है कि हम कोई चुटकुलाबाज हैं। लाइट की व्यवस्था देख लें आप, अभी 3 बार जा चुकी है। ये सहयोग कर रहे हैं विद्युत मंडल के लोग के, माँ की साधना हो रही है। विधायक जी बोले लाइट का, हमने कहा सांची सांची कह रहे हैं, डबिये जला के रह रहे हैं, और विद्युत मंडल और लाइट देवे को टाइम नहीं, बिल टाइम पे दे रहे हैं, बिल की निश्चित तारीख है, बिल्कुल वो आएगा आएगा, बाकी सब ठीक है। हमारे यहाँ हद हो गई। एक दिन हमारे साथ ये बैठे हैं भगवत भाई ढोलक, बोले भैया लाइट है? हमने कहा नहीं है लाइट यार। बोले है लाइट, और लाइट इतनी कम थी मैं क्या बताऊं, टार्च जला के देखना पड़ा कि बल्ब जला है कि नहीं जला, टार्च जलाई मैंने तब दिखी लाइट। ये निकम्मे हैं शासन और प्रशासन। दूसरी चीज बोले अधिकारियों के क्या हालचाल है, हमने कहा एक नंबर के, लोग तनक सो काम करावे पापर बेल रहे हैं, हर प्रकार की परेशानी झेल रहे हैं, और तुम्हारे शासन में अधिकारी रिश्वत को माल पेल रहे हैं, और हजारों में नहीं लाखों में खेल रहे हैं, बाकी सब ठीक है। अधिकारी को देख लो आप। दूसरी चीज युवाओं की स्थिति, युवा बैठे बैठे तला के भीटा पे झक मरा रहे हैं, काम नंजा। हम सभी युवाओं के साथ हैं, हम सभी युवाओं के साथ हैं, लेकिन काम कहाँ है उनके पास? युवा बैठे बैठे तला के भीटा पे झक मरा रहे हैं, बीए फाइनल करके भैंसियां चरा रहे हैं, बीए फाइनल करके भैंसियां चरा रहे, और कछु ने इतनी जहरीली शराब पी ली दिल्ली में कैंसर को इलाज करा रहे, बाकी सब ठीक। ये है तंत्र, यह है सच्चाई। और अंतिम बात के विधायक जी, कोनो भी काम कोनो भी बात सटीक नहीं है, कोनो भी बात कोनो भी काम कोनो भी बात सटीक नहीं है, जनता भय में है निर्भीक नहीं है, और सांची बात तो जा है कि तुम्हारे राज में कछु भी ठीक नहीं है, बाकी सब ठीक है। अब तो मजबूरी में कहने पड़, बाकी सब ठीक है। तो आए, एकमात्र विकल्प है इस अभियान को सफल बनाए। पार्टी कोई भी हो भ्रष्टाचार से मुक्त नहीं है, उनकी भावनाएं ठीक नहीं है, उनके मंसूबे ठीक नहीं है, इसलिए आपसे निवेदन किया गया। बातें बहुत हैं, हमारे सम्मानीय जिला अध्यक्ष जी एवं जिला सचिव जी बहुत कम कम बोले थे, पर मैंने थोड़ा सा ज़्यादा समय ले लिया, पर अभी भी लगता है भविष्य में कभी और विस्तार से चर्चाएं होंगी। पर एक चीज मांगने हम आपसे बस आए हैं, अनुष्ठान जो करते हैं वो संकल्प लेते हैं, लेते हैं कोई 5,000 का, कोई 11,000 का, हमें भैया पैसे नहीं चाहिए, ना लेते हैं ना आदेश है ना कभी लेंगे, बस एक चीज लेने आए हैं, निराश मत करना। एक बहन के द्वारा कार्यक्रम करवाया गया, सोचने की बात है, मुझे बड़ी खुशी थी जब प्रचार की कैसेट बनाने गया था, स्वर्गीय सीताराम पटेल जी की सुपत्री बहन लक्ष्मी पटेल जी, एक अच्छा प्रयास है, तो उनके आवाहन पर आप आए, और जितने भी लोग बैठे हैं नए लोग उनसे निवेदन करेंगे, हम सभी संगठन के लोग समझ लो अपनी झोली फैलाकर मांगते हैं, वो चीज जरूर दे देना। हम लोग क्यों आए, कटनी से संजय भैया आए, दमोह से हम आए हैं, और भी जबलपुर से लोग आए, तो एक बात दोनों हाथ जोड़कर मांगते हैं, नशा ना करना, मांस ना करना, और चरित्रहीनता के कार्य ना करना, यही संकल्प हम चाहते हैं गुरुदेव जी के चरणों में आप चढ़ाकर चले जाएं। ये पहले ऐसे ऋषि हैं, ये पहले जो ऐसे ऋषि हैं कि जो तुमसे धन की कामना नहीं करते हैं, कहते हैं सारी बुराइयां हमारे चरणों में चढ़ा देना, और बदले में माँ के नाम का अमृत ले जाना, ये मांगने आए हैं, और ये दें। अगर ये आप देते हैं तो गारंटी है आपके बच्चे, आपके परिजन, और आपके पूरे ग्राम में और हमारे पूरे प्रदेश में सुख शांति समृद्धि का माहौल होगा। समय बहुत हो चुका है, चलते हैं एक बार फिर इस कार्यक्रम की आयोजक बहन श्रीमती लक्ष्मी पटेल जी के लिए, और जितने भी ग्रामवासी यहाँ उपस्थित हैं, माताएं बहनें जिनकी जो पीड़ा है, जो नहीं आ सके, आवाज़ पहुँच रही है, तो आपकी पीड़ा भी दूर हो, आपकी भी सुख शांति समृद्धि की हम कामना करते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ जय माता की, जय गुरु।